वृत्त बनाओ जो दिए हुए वृत्त ए को बिंदु आर और उसके बाहर दिए बिंदु पी से गुजरता हुआ वृत्त को स्पर्श करे। तो प्रश्न नंबर 32 है आपका, एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के ऊपर बिंदु आर दिया हुआ है और बाहर एक बिंदु पी दिया हुआ है, बाहर एक पॉइंट पी दिया हुआ है। तो ये पी पॉइंट लगा लें बाहर, आर बिंदु लगा दिया परिधि के ऊपर, और अब इस आपने ओ आर को मिलाना है और लाइन को आगे बढ़ाना है, डॉटेड छोटे छोटे डॉट लगाने हैं सुंदर ढंग से, जैसे आपको सिखाए गए हैं छोटे छोटे डॉट लगाने हैं। अब आपने इस आर और पी को भी आपस में मिला देना है, आर और पी को भी आपस में मिला दें डॉटेड। अब इस आर पी का आपने समद्विभाजन करना है, आर पी का समद्विभाजन करना है। आधे से ज़्यादा प्रकार खोल लें और चाप लगा लें दोनों साइड पे, इसी तरह दूसरे पॉइंट पे जाएं और ये चाप को काट दें। अब इस समद्विभाजन को आपस में मिला दें दोनों पॉइंटों को, डॉटेड मिलाना है, ये भी छोटे छोटे डॉट लगाने हैं, और जो आपने बढ़ाई हुई रेखा है इसको टच कट करेगा करके, जहाँ ये कट करेगा वो पॉइंट आपका पी, उस पॉइंट को आप मान लो ओ, एल मान लो उसको। अब आपने उस पॉइंट को ओ मानना है आपने, और ये पॉइंट आपका ए है, ध्यान रखें ये पॉइंट आपका ए है, वृत्त ए दिया हुआ है तो इसको ए मानना है, और ए पॉइंट आपका ओ आ जाएगा। अब ओ से प्रकार खोलनी है, आर तक खोल लो या पी तक खोल लो, ये जो ऊपर का पॉइंट आपका ये पी है, पी तक खोल लें या आर तक खोल लें और एक वृत्त लगा दें, और ऐसे आपका एक वृत्त लग जाएगा, इसको डायरेक्ट कर दें, ये आपका आंसर है।